The first of the 6 Scorpene-class submarines, INS Kalvari, was commissioned into the Indian Navy by Prime Minister Narendra Modi today. It is the first conventional submarine to join the naval fleet in 17 years. मैं कलवरी के निर्माण से जुड़े हर श्रम योगी को श्रमिक को हर कर्मचारी का आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कलवरी के निर्माण में सहयोग के लिए मैं फ्रांस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ये पनडुब्बी भारत और फ्रांस की तेजी से बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है This comes almost 18 years after the country cleared an ambitious submarine building program to scale up its undersea warfare capabilities. साथियों कहा जाता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है यह भी तय है कि 21वीं सदी के विकास का रास्ता हिंद महासागर से होकर के ही निकलेगा और इसलिए हिंद महासागर की हमारी सरकार में की नीतियों में एक विशेष उसका स्थान है विशेष जगह है ये अप्रोच हमारे विजन में झलकती है मैं इसे एक स्पेशल नाम से भी उल्लेख करता हूं सागर SAGAR और जब मैं सागर कहता हूं यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन स्कॉर्पिन सबमरीन्स कैन अंडरटेक वेरिएड मिशंस सच एज एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड माइन लेइंग The strengthening of this capability will be important due to the PLA Navy ships and submarine deployments in the Indian Ocean region every year. भारत उन चुनौतियों को लेकर भी गंभीर है जिनका सामना भारत ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के अलग-अलग देशों को भी करना पड़ता है चाहे समुद्र के रास्ते आने वाला आतंकवाद हो पायरेसी की समस्या हो ड्रग्स की तस्करी हो भारत इन सभी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है